ग्वालियर के प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ी के पास अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासनिक अधिकारी मदाखलत टीम के साथ गुप्तेश्वर पहाड़ी पर पहुंचे और यहां अवैध अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देने के साथ ही बुलडोजर से आपको बता दें कि जो अवैध निर्माण है उसको ढहाने का काम किया गया। SDM प्रदीप सिंह तोमर के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद रहा। SDM ने बताया कि तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा यहां इलाके में भेजा कब्जा कर रखा था और जिन्हें चेतावनी भी दी गई है और प्रशासनिक अमले ने अतिक्रमण हटाने के साथ अतिक्रमणकारियों के खिलाफ FIR कराने की तैयारी भी कर ली है। प्रशासन की टीम जब यहां कार्रवाई करने पहुंची तो अतिक्रमणकारियों में दहशत का माहौल पैदा हो गया और कई लोग तो अपने हाथों से निर्माण तोड़ते हुए नजर आए। ये आप देख रहे हैं फॉरेस्ट की ज़मीन है, पहाड़ है। इस पर लोग वक्त दिन प्रतिदिन नए नए अतिक्रमण करते जा रहे थे। फॉरेस्ट ने इनको 3 बार नोटिस दिए थे लेकिन इन लोगों ने हटाए नहीं, अतिक्रमण बढ़ते जा रहे थे। इसलिए आज फिर हम लोगों ने कार्रवाई की और हमारा यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर भी है गुप्तेश्वर, जिसकी बहुत मान्यता है इस क्षेत्र में, तो उसके आसपास भी ये सब करते जाते, इसलिए आज हमने कार्रवाई की।